भोपाल नगर निगम अंतरिम बजट पारित हो गया है, जिसकी राशि 808 करोड़ 87 लाख 48 हजार रुपए है। विपक्ष सर पर काली पट्टी बांधकर अंतरिम बजट प्रस्तुत करने का विरोध करता रहा। महापौर मालती राय ने 20 मिनट के अभिभाषण में कहा कि यह अंतरिम बजट 3 महीने के लिए है। नगर निगम का अंतरिम बजट बहुमत के आधार पर पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम भोपाल का अंतरिम बजट पास हो गया। पेश किए गए बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जाकी ने कई सवाल खड़े किए। हालांकि बजट में किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया गया। महापौर मालती राय ने कहा कि आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में नया बजट नहीं ला पा रहे थे, इसीलिए हम 3 महीने के अंतरिम बजट को लेकर आए हैं। आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी तुरंत ही नया बजट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में सोलर सिटी बनाने का आह्वान किया गया है। इसके लिए प्रदेश के 2 शहरों में से भोपाल को 25,000 का लक्ष्य देकर सोलर सिटी बनाने के लिए चुना गया है, जिसमें शासन 30% सब्सिडी देगी और भोपाल नगर निगम इसमें सहयोग देकर संपत्ति कर में 6% की छूट देगा। सभी पार्षद इसमें सहयोग करेंगे। इससे पहले नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के बेड के हिसाब से लाइसेंस फीस का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। महापौर मालती राय ने स्ट्रीट डॉग को लेकर कहा कि एक जगह 200 स्ट्रीट डॉग को रखवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार से 3 जगह स्ट्रीट डॉग को रखा जाएगा। पीएफ की राशि को लेकर भी महापौर मालती राय ने कहा कि कमिश्नर के साथ बैठकर इस पर वार्तालाप हो चुका है, यह पुरानी राशि है। 21 करोड़ तो जो इनके ऊपर तो पेनाल्टी पहले ही लग चुकी है, ये तो पेनाल्टी के ऊपर पेनाल्टी लगाई है कि इनके पास में नोटिस पे नोटिस गए, कम से कम 34 नोटिस इनके पास में गए, लेकिन नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि वो रीजनल ऑफिस के अंदर हाजिर नहीं हुए, अपना जवाब पेश नहीं किया कि हमारी क्या दयनीय स्थिति खराब है जो हम पैसा लेने के बाद भी नहीं जमा कर रहे। अगर आपने 12.5% कर्मचारियों को पैसा लिया था तो आप वहाँ पर एक आवेदन लगाते और 12.5% जमा करते, लेकिन आपने 12.5% तो रख ही लिया उनका काट कर उनकी तनख्वाह से, और जो 12.5% आपको मिलाना था आपने वो भी नहीं दिया, तो आपने उनका पैसा का कहां पर उपयोग किया, एक ये बड़ा सवाल। तो इसलिए उस पेनाल्टी के ऊपर उस 21 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और ये बहुत बड़ा गबन है। ये हमारी भोपाल शहर की जनता का टैक्सेस का पैसा इस तरह से जा रहा है, जबकि ये नगर निगम की लापरवाही है, तो उस अधिकारी से ही वसूल किया जाए जिसके अंडर में ये है और जिसको जवाब देना था और जिसको वहाँ पर पेशी के ऊपर जाना चाहिए था। नगर निगम के खाते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और जिन्होंने ये लापरवाही बरती है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। जो पार्षद निधि के विकास कार्य होना है वो करिए और यहाँ अंतरिम बजट लाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, इससे काम करिए। जो आपके पास में 1 अरब 47 करोड़ रुपए जमा है उसका ब्याज कहाँ है, उसका हिसाब देना चाहिए। और जब यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है तो ये गलत जानकारी देते हैं सदन के अंदर, और सदन के अंदर सारी चीज़ पटल पर नहीं रखने की वजह ये सब पैदा हो रही है कि इतना बड़े भ्रष्टाचार हो रहे, गबन हो रहे। MIC मैरिन काउंसिल बाहर के बाहर जब संकल्प पारित करके भेज देगी, प्रस्ताव बनाकर भेज देगी, तो ऐसे ही परेशानियाँ आएंगी, सदन के किसी भी सदस्य को सही स्थिति नहीं पता होगी। अब चूंकि 1 अप्रैल से नया बजट लागू होना चाहिए, आदर्श आचार संहिता के कारण नया बजट लाना नहीं ला पा रहे थे, इस कारण से अभी हमने 3 माह के लिए जब तक आदर्श आचार संहिता लगेगी उसको अंतरिम बजट में पेश किया है। PF की राशि की पुरानी राशि है, उसके बारे में कमिश्नर साहब के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श हो चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।